अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है घारेस किचन में। आज मैं कॉर्न पकौड़ा बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही आसान और बहुत टेस्टी बनती है। ये दो भुट्टे हैं, एक बड़ी प्याली बेसन, थोड़ा सा हरा धनिया, चार कटी हुई हरी मिर्चें और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब मैं आपको बताऊंगी इसके दाने कैसे निकालते हैं। ये देखो, ये छुरी से इसी तरीके से हमको निकालने हैं सारे दाने। अगर एक एक दाना भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी पकोड़े अच्छे नहीं बनते। ऐसा आप करके बनाएंगे तो पकोड़े एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तो आप इसी तरह ही निकालो। ये देखो, मैंने सारे दाने इस तरीके से निकाले। अब मैं इसमें सब मसाले डालूंगी। हरी मिर्ची, ये थोड़ा तीखा ही अच्छी लगती है। नमक, हरा धनिया, और मैंने तेल भी गरम करने के लिए रखा हुआ है। और ये बेसन ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसका जो पानी कॉर्न का निकलता है, इसमें ही बेसन मिक्स होएगा। ये देखिए, हमारा बैटर तैयार है एकदम। हम लोग ने मसल मसल के एकदम सूखा ही रखना चाहिए, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। और ये मिलाकर फौरन हमको तलना है। अगर रखेंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे पकौड़े। अब मैं फ्राई कर रही हूँ, तेल भी मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं छोटे छोटे पकौड़े डालूँगी। ये ज़्यादा हाई पे नहीं रखना है अपने को गैस। लो फ्लेम पे हम भजी फ्राई करेंगे। ये देखो, ये अभी पकौड़ा ब्राउन हो रहा है अच्छे से, एकदम गोल्डन ब्राउन कर रहा है। इसको मैंने गैस को भी फास्ट करके अब मैं भजी बना रही हूँ। ये देखो, ये हमारे कॉर्न पकौड़ा तैयार है। अब मैं इसको टिश्यू पेपर पे निकालूंगी। ये देखिए, ये मेरा कॉर्न पकौड़ा तैयार है। मैंने सॉस के साथ इसको सर्व की हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।